देखने से पहले मैं नानू मम के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बलाबल वाली घंटी जरूर बजा दिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शहनाज अमीन बेस्ट किचन। आई होप कि आप सब अपने घरों में खुश होंगे, मज़े कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आज संडे है, मीज़ान कंपनी से हमारे लिए आया है गिफ्ट। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या आया है गिफ्ट में। तो जी, ये आया है मीज़ान कंपनी से हमारे लिए गिफ्ट। हमारी शॉप में कंपनी की तरफ से हर बार गिफ्ट आते रहते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ट्रे और चाय के कप्स आए हैं। इतने सारे कप का मैं करूंगी क्या? ये तो बहुत सारे कप हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो काम आने वाली चीज़ें हैं, काम आती रहती हैं। कप तो बहुत काम आते हैं और टूटते भी जाते हैं, टूटते भी रहते हैं कप। ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इस्तेमाल होती रहती हैं, और जब इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ तो ज़ाहिर सी बातें टूट भी जाती हैं। और हम इस्तेमाल करेंगे कोई चीज़ तो ज़ाहिर सी बातें कांच की चीज़ तो टूटती ही है, टूटेगी भी कांच की चीज़। और ज़्यादातर कप तो मुझसे ही टूटते रहते हैं, क्योंकि मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ तो कप ज़्यादातर मुझसे ही टूटते रहते हैं। चलो अच्छा है, मेरे ये काम आते रहेंगे। और कभी कोई चीज़ खुद से भी टूट जाती हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम जानबूझ के तोड़ दें कोई चीज़। ये देखें जी, इतने सारे कप हैं, ऊपर भी इतने सारे कप हैं और नीचे भी इतने सारे कप हैं। या मेरे अल्लाह, ये तो बहुत सारे कप्स हैं। ऐसा लगता है कप्स की तो पॉपुलेशन ही बढ़ गई हो। अब इतने सारे कप्स का हम करेंगे क्या? और ये ट्रे भी आई हैं बहुत सारी। वैसे सब कहते हैं ना कि अल्लाह ताला देते हैं तो चप्पल फाड़ के देते हैं। और हमारी छोटी सी प्रिंसेस नूर फातिमा भी देख रही है कि क्या आया है गिफ्ट में। तो जी, आज है संडे, जैसे कि फंडे, और संडे में हम करते हैं फन। तो आज हमारा दिल किया कि संडे को कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स बनाए जाएं, खाए जाएं, संडे को फंडे बनाया जाए। तो इस वजह से अभी हम समोसे फ्राई कर रहे हैं। तो जी, मेरी एल्डर सिस्टर ने मैक्रोनी बनाई है, क्योंकि वो मैक्रोनी बहुत टेस्टी और यम बनाती हैं, तो मैंने उनको मैक्रोनी का काम दे दिया है। और देखें जी, मैक्रोनी उन्होंने वाकई ही इस बार भी टेस्टी और यम बनाई है। माय एल्डर सिस्टर इज़ वेरी गुड कुक इन हर होम। मैक्रोनी की रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो बहुत यमी टेस्टी बनाती हैं मैक्रोनी। तो जी, अब मैं टेस्ट कर रही हूँ कि कैसी बनी है।
बनी है ये। वाओ यम, बहुत अच्छी बनी है हर बार की तरह। जी मुझे काम दिया गया है क्रिस्पी फिंगर चिप्स बनाने का, तो मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर करती चलूं फिंगर चिप्स बनाने की। आई थिंक दिस रेसिपी इज़ वेरी कॉमन। वैसे तो सबको ही फिंगर चिप्स बनानी आती ही है, बेसिक है, बेसिक चीज़ है, सबको ही आती है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम डिफरेंट रेसिपी, क्रिस्पी फिंगर चिप्स रेसिपी। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग some new and different type of things, so therefore I'm trying this one today, which is very different recipe as always guys, so come on let's get started। हमने 12 आलू ले लिए हैं जिसको हम छीलने लगे हैं, छील लेंगे। तो जी आलू की आउटर स्किन हमने निकाल ली है और अब हम इसे धोने लगे हैं। तो जी सारे पोटैटोज वॉश हो चुके हैं और अब इसको कट करेंगे।
सारे पोटैटोज़ की कटिंग हो चुकी है। ये सारे पोटैटोज़ जो हमने कट कर लिए हैं, अब इसको हम बॉईल करेंगे। अब मैंने एक भगोना ले लिया है, भगोने में मैंने पानी चढ़ा लिया है और नमक डाल दिया है 1 स्पून और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। और अब इन सारी पोटैटोज जो हमने कट किए थे उसको हम बॉईल कर देंगे इस पानी में। इस पानी को हिला लेंगे क्योंकि हल्दी सारी ऊपर आ चुकी है। आप चाहें तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारी पोटैटो चिप्स को जो हमने कटिंग कर ली है इस पानी में बॉईल कर लेंगे। देखें जी, ये बॉईल हो रही हैं और एक तरफ हमारी फिंगर चिप्स जो हमने कटिंग की है वो बॉईल हो रही हैं और दूसरी तरफ हमने कढ़ाई लगा ली है। कढ़ाई में हम ऑयल डालने लगे हैं। एक तरफ कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ हमारे फिंगर चिप्स बॉईल हो चुकी हैं जो कि हमने छन्नी में निकाल ली हैं, उसका सारा पानी फेंक दिया है और एक परात में डाल दिए हैं, ये बड़ी सी परात में। और अब जो इसमें मसाले वगैरह डलेंगे वो मैं आपको बताती चलूँ। ये चावल मैं इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि चावल का आटा नहीं था। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप चावल को पीस के उसका आटा बना सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप चावल को पीस के भी डाल सकते हैं। तो जी, मैं बॉईल हुई हुई चिप्स में डालने लगी हूँ 2 स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और जो हमने बासमती राइस पीसे हैं मशीन में वो डाल देंगे। आप चाहें तो इसको पूरा भी डाल लें। ये मैंने 2 मुट्ठी चावल लिए थे और उसको पीस लिया था तो मैंने डाल दिया ये सारा। और ये चटपटा चाट मसाला नेशनल का मैंने डाला है थोड़ा सा। आप चाहें तो शान का भी चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं इस सारे मसालों को मिक्स कर लूँगी जो जो मैंने इसमें डाला है, मैदा, कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा और चटपटा चाट मसाला, इस सारी चीज़ को मैं मिक्स कर लूँगी। इसको हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है और अब हम डाल देंगे इसमें देखें कैसे ये फ्राई हो रही है, अच्छी लग रही है। जिस कलर में पसंद थी वही कलर में मैंने उसको फ्राई किया। किसी को ज़्यादा फ्राई हुई भी पसंद नहीं होती है और मुझे ज़्यादा फ्राई हुई भी पसंद है तो मैंने ज़्यादा फ्राई की। अब ये जो बची हैं इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये
देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। देखें जी, क्रिस्पी फिंगर चिप्स बनके रेडी हो गई हैं और आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्रिस्पी फिंगर चिप्स को आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो मेयोनीज़ के साथ खाएं, टोमेटो केचप के साथ खाएं, इट्स अप टू यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम शहनाज अमीन बेस्ट किचन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।